गुड मॉर्निंग गाइज और आज सुबह मैं ना लिटरली मैं इन सभी के साथ छुपन छुपाया गेम खेलने वाला था बट पता चला भाई साहब मेरी जो स्पेशल छुपन छुपाई गेम खेलने की गन थी ना जिससे मैं इन सबको गायब कर देता हूँ देखते ही वो टूट गई और अरे आय मेरे पास ये नॉर्मल गन रह गई ये देख रहे हो आप और ये क्या भाई फाइव हंड्रेड आयरन हेड आ गया आज तो गेम खेल ले और यहाँ पर थ्री हंड्रेड रेडवेंचर हल्क भी और टोनी टोनीस्टॉक थ्री हंड्रेड आयरन मैन बन गया भाई वो भी ब्लू वाला अरे मैं भी आया हूँ जीत के रहूंगा रे यार फाइव हंड्रेड लाला बेबी है और ये देखिए

लग तो ऐसा ही रहा है इस अरे नहीं मैं शायद कन्फ्यूज हूँ ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है ग्रीन टाइप का कोई कपड़ा है इसके पीछे कोई छुपा हुआ तो नहीं है दोस्तों अगर इसके पीछे कोई छुपा हुआ है ना तो प्लीज़ आप उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तभी तो आप सभी मेरी टीम में आओगे वरना ये लोग चीटिंग समझेंगे आप सभी मेरे टीम मेंबर में बनना चाहते हो तो जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दो ओके अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और क्लोजेट में जाके देखते हैं क्लोजेट में कौन है भाई धप्पा अरे कोई भी नहीं है यार ये छुपन छुपाया गेम बड़ा हार्ड है लिटरली में ये लोग पता नहीं मेरे ही घर में

यार जहां तक मुझे याद है मेरा गैराज है और मेरे गैराज में ऐसा कुछ नहीं रखा और ये तो ये तो किसी का हेड है ये तो सेम टू तो सेम मेरा जैसा हेड लग रहा है और गाइस डायमंड भी है और ये कहीं है, मेरी शक्ल का डायमंड फ्रैंकलिन तो नहीं है गाइस फिर तो कहाराज में जाते हैं हैं यहां तो डायमंड ही डायमंड है काम करते हैं इस डायमंड को तोड़ के देखते हैं गाइस कितने लोगों को लगता है इसके पीछे डायमंड फ्रैंकलिन है जल्दी कमेंट में यस लिख दो हमारे पास टाइम नहीं है हमें जल्दी से ढूंढना होगा ओके हमने ढूंढ लिया अब गाइस देखो मैं आपको एक दिक्कत दिखाता हूँ दिक्कत क्या है मेरी अरे बापरे नॉर्मल गन से भाई साहब ये बंदे गायब ही नहीं होते दस पंद्रह गोलियां मारी हैं इसलिए गोलियां भी हमारे पास लिमिटेड है हमें इस मैच को जीतकर अपनी स्पेशल गन लेनी होगी जो एलिमेंट्री मिस्ट्री बॉक्स के साथ मिलेगी

अरे वो जो ग्रीन स्क्रीन घर के के एंट्रेंस सामने है बिल्कुल अगर ऐसा है तो जल्दी कमेंट में यस लिखिए आप लोग मैं जल्दी जाके देखता हूँ भाई साहब अरे कहा ये रही कहा ये रही ग्रीन स्क्रीन जल्दी हटाओ भाई इसको जल्दी हटाओ अरे यार फिर से कुरना पड़ेगा ये गोलियां ठीक से काम नहीं कर रही है मुझे मेरी स्पेशल गन चाहिए भाई अरे तूने ऐसे कैसे ढूंढ लिया मुझे मेरी टीम ने मिलके भाई इसको ढूंढवा दिया और गाइस फाइनली यार लेकिन एक मिनट यहाँ पे तो ग्यारह मिनट ही बचे हैं भाई चार मिनट कहाँ चले गए भाई बता दे कोई मिलाओ बाबा कल आज तो तू गया नहीं भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा हाँ तो गाईस मैं कह रहा था मेरे घर के पास और इवन मेरे पड़ोसी घर के पास ये गोल्ड कोल्ड क्या कर रहा है इसमें से थोड़ा बहुत गोल्ड में घर ले गया एक मिनट है ये तो किसी ह्यूमन का कान लग रहा है मुझे आपको भी लग रहा है ना ये किसी ह्यूमन का कान हो तो जल्द या अरे चल गया ये गोल्ड नहीं है ये फायर है अरे मैं कंफ्यूज हो गया था भाई साहब गोल्ड का कलर भी पीला ही होता है राख का भी इसलिए मर गया ये कौन है

मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अभी बस दस मिनट रह गए हैं और हमने दो लोगों को ढूंढा है व्हाट ये साढ़े पड़ोसियों ने मेरे घर पे डस्टबिन क्यों जमा कर दिए अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं है डस्टबिन के अंदर कोई छुपा पड़ा हो हाँ हो सकता है गाइज आपको बता आप बताओ कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस डस्टबिन में कोई है टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट या हंड्रेड परसेंट जल्दी से हंड्रेड परसेंट लिखो या फिर दस परसेंट कोई ना कोई तो गाइज छिपा होना चाहिए इन डस्टबिन से पर मुझे कोई दिख नहीं रहा है आप देख सकते हो गाइज मेरे से भी बेटर क्योंकि भाई आपके पास कैमरा का व्यू है अगर आपको कोई दिख रहा है डस्टबिन के आसपास तो प्लीज़ उसका नाम कॉमेंट में जरूर लिखना जिससे कि मैं उसको जल्दी पकड़ पाऊँ क्योंकि आपके फ्रेंकल के पास नौ मिनट ही बचे हैं अभी ना गाइज <laughs> मैं अपने घर की छत पे आ चुका हूँ क्योंकि अक्सर छत पे भी घर पे लोग रुके रहते हैं छिपे रहते हैं नहीं कोई नहीं है बाकी गाइज एक चीज़ आपने नोटिस की भाई ये फायर गोट तो इतना बड़ा है कि मेरे घर से लेके पड़ोसी घर तक फैला पड़ा है मतलब हो सकता है मेरे पड़ोसी घर पे भी कोई छिपा हुआ हो चलो 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 एक बार पड़ोसी घर भी चेक कर लेते हैं कोई है हेलो भाई अरे ढूंढ लूंगा मैं सबको अरे यार छोड़ो गाइज मैं आपकी कॉमेंट ही पढ़ लेता हूँ मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा थ्री हेडेड ब्लू आयरन मैन छिपा हुआ है डस्टबिन के पीछे वॉट डस्टबिन के पीछे थ्री हंड्रेड ब्लू एन सच में अगर ऐसा है तो जल्दी से यस लिख दो गाइस मैं भी तो भाई कितने लोगों को मुझसे पहले दिख गया था ये थ्री हंड्रेड ब्लू ओ हेलो तेरा पर्दा फास्ट हो चुका है ब्लू मैन भाई सामने आ जा यार फ्रेंकल ऐसा कैसे ढूंढ लिया तूने मुझे जब तक मेरे साथ मेरी टीम है भाई हम छुपन छुपाई गेम में नहीं छुआ फ्रेंकलन आज तो तू पक्का आ रहेगा आज तो तुझे पेड़ पे से मैं ही धक्का दूंगा और कांटो के नीचे कुदा दूंगा नहीं भाई साहब ले निकले से टोनी तीन चार गोलियों में जाकर गाय टोनी भी गाय हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा एक तो भाई एक गन मेरा टाइम ले रही है लिटरली में पंद्रह ढूंढने के बाद भी दस पंद्रह सेकेंड लगी जा रही है यार उसको गायब करने में यार कोई नहीं ये वाले गेम को जीत गए तो हमें एक गन मिलेगी और एलिमेंटल मिस्ट्री बॉक्स मतलब बढ़िया सा गिफ्ट मिलेगा चलो जल्दी से यहाँ पर मेहनत करते हैं आठ मिनट रह गए मैंने अपना घर का बैक चेक नहीं किया ना अभी तक अरे हाँ मैं भी कितना पागल हूँ बैकयार्ड में कोई डोर वोर हो सीक्रेट उसमें कोई छिपा हुआ हो नहीं मैंने हटवा दिया था वैसे बैक डोर यहाँ से भाई नहीं तो लोग उसमें भी छुप सकते थे इसलिए गाय सही है चलो कोई नहीं यहाँ पर मैं काम करता हूँ ये जो फायर गॉड के ऊपर से चढ़ के ही चला जाता हूँ आसानी रहेगी हाँ चलो गाइज हम फाइनली वापस तो आ गए बट मैं एक काम करता हूँ दोस्तों जल्दी से जाके चेक करता हूँ कि असल में ये जो फायर गॉड है कहीं इसने अपने आसपास किसी को छिपा तो नहीं रखा अरे बाप रे लास्ट टाइम तो जल गया था मैं यार इसलिए मैं भाई साहब बहुत ही केयरफुली आ रहा हूँ चल के एक मिनट ओ माई गॉड साहब आपने देखा कितने लोगों को नीचे भाई गोल्ड फ्रैंकलिन दिख रहा है जल्दी से कमेंट में यस लिखो अपना नाम लिखो देखिए यही था वो गोल्ड फ्रैंकलिन जो हमें दूर से दिख रहा था ये ह्यूमन के कान थे राइट ये गाइस लो, कितने लोगों ने पहले ही पता कर लिया था कि गोल्ड वाला फ्रैंकलिन है वो जल्दी अपना नाम लिखो यहां देखने से पहले ही जल्दी से भाई मैं अभी तो देखो कितने जीनियस लोग हैं मेरी टीम में और राइट गाइस मैंने यहां पर गोल्ड फ्रैंकलिन को भी पकड़ लिया है बट अभी यार मुझे बात समझ नहीं आ रही एक डेविल फायर गॉड था वो कहां पर गया और साथ साथ में भाई साहब यार मुझे ये समझ नहीं आ रही एक फाइव हेडेड लावा बेबी भी था गाइज वो मतलब पांच सिर थे उसके और भाई फाइव हेडेड था वो कहां पर छिपा हुआ है यार यार चॉप तो आज घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है मैं उसके घर को तो देख नहीं सकता अपने रूम और क्लोजिट को मैंने ऑलरेडी देख लिया है अरे यार, यार मेरे पैरों में भी गंदगी लग गई हाँ तो गाइज अगर आपको कोई दिखे कहीं भी तो प्लीज उसका नाम और लोकेशन प्लीज ध्यान से लिखना फिर आपकी कॉमेंट मेरे सामने आ जाएगी और हम अच्छे से उसको पकड़ लेंगे और भाई साहब हमारी जीत जरूरी होगी बाकी डस्टबिन के पीछे तो हाई मैन का सूट था मतलब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है गोल्डन फ्रैंकलिन को ने पकड़ लिया डायमंड फ्रैंकलिन को भी हमने पकड़ लिया ऑल राइट काइज बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा वो जो खत... अरे गाइस ये क्या ओ माय गॉड गाइस लुक एट दिस भाई साहब फायर गॉड किसी को खा रहा है आई थिंक अरे फ्रैंकलिन मैं अपना खाना एंजॉय कर रहा हूँ तू क्या कर रहा है भाई साहब एक मिनट ये फायर गॉड किसको खा रहा है यार मैं पहचान नहीं पा रहा हूं इसके पैर भी फायर टाइप के ही है जिसको एक खा रहा है कौन हो सकता है यार ये कहीं ओके कोई ये वो मेंबर तो नहीं है जो हमारे छुपन छुपाई गेम को खेल रहा था अरे यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई ओ भाई फायर गॉड मुझे देखने दे चल निकल यहाँ से मार दूंगा अरे भाई मार क्यों रहा है अच्छा ठीक है चल मैं खुद ही जा रहा हूं मेरे घर की छत पर तो कोई नहीं है अरे नहीं है मैंने देख लिया था खैर छोड़ो चलो यहाँ से चलते हैं ऐसे पहले फायर गॉड हमें मारे मार दिया अरे पापा कितना बुरा मारा चलो यहाँ से वरना और बुरी तरह से मारूंगा इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं देख लूंगा फायर गॉड के बच्चे को ये ले चले इसको तो मेरी गन से भी कुछ असर नहीं हो रहा है काश छोड़ो यार हमारे पास पाँच मिनट बचे हैं और अभी भी हमें बहुत सारे लोगों को ढूंढना है भाई मेरे पास टाइम बहुत कम है स्विमिंग पूल में भी कोई नहीं छुपा हुआ आज आज रेलिंग के ऊपर या फिर क्लोजेट में नहीं एक मिनट ये किसका कॉमेंट है फाइव हेडेड लावा बेबी मेरे रूम में छिपा हुआ है दीवार पे ओके फाइव हेडेड लावा बेबी कहाँ का चला देखूँ तो सही भाई साहब

एक मिनट वो क्या चीज है अरे एक पापरे आसमान में मेरे घर के ऊपर एग्जैक्ट पक्का गाइस इसको छिपा हुआ है इसमें कितने लोग लगता है कि मेरे आसमान घर के ऊपर जो आसमान में वो बोर्ड बोर्ड टाइप के हैं वहां पर कोई छिपा हुआ है जल्दी से कमेंट में यस लिखो लिखो जिनको नहीं लगता नो ओके लेट्स गो ये तो पिंक हल्क बस्टर है भाई अरे टोनी के बच्चे तूने अपने हल्क बस्टर का छुपाया अरे मैं खुद छिपाऊं फ्रेंड यहाँ पे टोनी सर ने नहीं छिपाया तू मुझे नहीं पकड़ पाया अच्छा बच्चे ये ले अभी आके भाई इसको शूट करना पड़ेगा यहाँ पे हेलीकॉप्टर की गोली से शूट कर रहा हूं तो गाया भी नहीं हो रहा है एक तो मेरी गन भी भाई नॉर्मल टाइप के तो बड़ा टाइम लग

अरे हो सकता है गाइस फायर गॉड भी पीला ही है और गोल्डन चूची चार्स भी पीला ही है हो सकता है भाई हो सकता है यार ये बात तो है और गाइस एक फाइव हेडेड ना रेड सायरन हल्क भी था शुरू में वो कहाँ है यार सायरन हेड वाला हल्क यार वो स्विमिंग पूल में तो नहीं है अरे नहीं स्विमिंग पूल में तो मेरे को कोई देख नहीं रहा चलो नीचे ही चलते हैं अभी गाइस बातों बातों में तीन मिनट हो गए अबे चौब घर से बाहर निकल जा भाई मेरे को देखने दे बाबा कल सब नहीं निकलूंगा पहले बर्गर दे तभी निकलूंगा बर्गर तो नहीं है जाके खरीदना पड़ेगा गाइस मुझे तो इसके घर के अंदर कोई दिख नहीं रहा अगर आपको कोई दिख रहा है गौर से देख लीजिए तो प्लीज़ बताना हो सकता है इसके अंदर भाई चू चु छुपाओ गोल्डन वाला या फिर रेड सायरन हल्क भी हो सकता है तो प्लीज़ उसका नाम जरूर लिखना भाई फाइव हो सकता है वो अरे यार कहाँ से शुरू करूँ मैं एक काम करता हूँ दोस्तों मैं ना जल्दी से ऊपर जाता हूँ बाबा कल हार मान लो भाई तो तू कांटों में जलेगा कांटों में मैं नहीं जलूंगा कहीं भी ओके मैं आ गया हूं भाई साहब अपने गाइज फर्स्ट फ्लोर पे और यहां पर मैं काम करता हूं अपना स्टडी रूम चेक कर लेता हूं। नहीं स्टडी रूम में नहीं है किचन वाला एरिया नहीं गाइज उधर भी कोई नहीं है यार कोई मुझे मिलने का नाम क्यों नहीं ले रहा है भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा गैराज में ऑलरेडी डायमंड डायमंडल था तो वो हमने ढूंढ लिया था और ये इतना बड़ा क्या कर रहा है यहाँ पर पक्का फायर गॉड ने यहाँ पर को लगा रखा है किसी तरह से मैं काम करता हूँ दोस्तों मैं ना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके फायर गॉड के पास जाता हूँ और इससे शूट करता हूँ क्या पता फायर गॉड के मुंह में जो भी बंदा इसने छुपा रखा है वो बाहर निकल आए क्या पता है और भाई साहब ये तो फायर ये तो अरे ये तो डेविल फायर गॉड है अरे पापा जी मुझे ठीक से छुपाओ वो फ्रेंकिल मुझे ढूंढा ले और बच्चों

फ्रैंकलिन याद कर एस्ट्रॉइड नहीं बालकनी नहीं क्या चेक नहीं किया अरे हाँ मैंने स्विमिंग पूल तो चेक ही नहीं किया गाइज आई थिंक स्विमिंग पूल में मुझे लगता है गोल्डन चुजुजाल हो सकता है ऊपर ऊपर से चेक किया था मतलब मैं अंदर नहीं गया एक मिनट वो क्या चीज़ है गाइज ये

ये तो एक गोल्ड की प्योर लेंबोगी है भाई छोटा सा एलिमेंटल लकी बॉक्स था उसमें ये मिला है और साथ साथ में दो गोल्ड की पेटियां भी मिली है राउंड वन में इतना कुछ मिल गया मतलब अब तो मेरी स्पेशल गन भी है इससे तो मैं दूर से एक कुछ किसी को शूट करूंगा ना गायब हो जाएगा मतलब हमारा टाइम भी बचेगा हम जल्दी छुपन छुपाई खेल पाएंगे तो चलो गाइज एक काम करते हैं इस सामान को अपने घर में रखते हैं और दूसरे राउंड के लिए छुपन छुपाई खेलने चलते हैं स्टॉक अभी देखिए मैं जैसी स्टॉक आया मुझे पता चला यहाँ पे ऑलरेडी लोग मेरा इंसान कर रहे थे जिसमें से भाई साहब कुछ तो पुराने टीम मेंबर आ गए लेकिन ये भाई साहब ये तो थ्री टीवी स्कैरी मैन है और गाइस ये देखिए टोनी स्टॉक के नए रूप को सेवन बिल्लू आयरमैन बन गया अरे फंकी भैया मैं भी खेलूंगा स्टैक मेंशन में चिपंच भाई और ये कसम मैं तो तुझे हरा दूंगा आराम से और मैं अभी हरा दूंगा मैं रेड एंड फायर रेवेंजर हल्कों भाई साहब पता नहीं कौन कौन लोग हैं ये एक मिनट दोस्तों ऊपर भी तो देखते हैं व्हाट ये क्या है भाई ये तो थ्री हेडेड गोल्डन हल्क बस्टर है और गाइस इसको देखिए ये है ब्लू स्पीकर मैन और ये चूचू आयरन आयरन जायंट वाला Franklin, आज तो गया और यहां पर अपनी सजा तो देख ले। सबसे पहले देखते हैं जो गोल्डन है। यार हारने पर ये क्या इतने सारे बॉम्ब और बीच में भाई साहब स्टिकी तुझे इसके बीच में रख के ब्लास्ट करेंगे हम रे कोई बात नहीं है तुम लोगों को तो मैं ढूंढ लूंगा इतनी जल्दी गायब हो गए कोई नहीं दोस्तों हमारे पास चौदह मिनट है और फोर्टीन मिनट्स में हमें कम से कम दस बंदे ढूंढने हैं मतलब डेढ़ मिनट में भी एक बंदे को ढूंढेंगे तो हम अप्रोक्स एक मिनट फिर भी बचा ही लेंगे और भाई साहब उसके बाद हम आराम से अपना यहाँ पर गाइस गिफ्ट एंजॉय करेंगे ये क्या इतने सारे साइंस मुझे स्टॉक मेंशन में जाने के क्यों बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं है भाई ये साइंस मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो गाइस मैं इनको तोड़ के देखता हूँ नहीं गाइस यार मैं अपनी स्पेशल गोलियां तो इन पर यूज़ करूँगा नहीं मैं अपनी स्पेशल गोलियां सिर्फ उन पे पर यूज़ करूँगा जो यहाँ पर लिटरली मैं भाई साहब जो कोई बंदा होगा जिसको हम गायब कर सकें गाइस बाकी अगर आपको लगे इसके अंदर कोई छुपा पड़ा है तो प्लीज़ उसका नाम जरूर लिखना हो सकता है वो लावा रिवेंजर हो रेड रिवेंजर हल्क हो या फिर भाई साहब वो सिंचन भी हो सकता है ये क्या ये तो अजीब बात है पहले पनिशमेंट के लिए पांच छह बॉम्ब थे अब भाई साहब उसके ऊपर भी दस बॉम्ब और आ गए इसको हटा के देखते हैं कुछ गड़बड़ है भाभी ये कौन अरे अरे इसमें कोई छुपा हुआ है वो ही है देखिए गाइस वो ना जल्दी से कमेंट में लिखो अगर आपको लगता है, ही है भाई देखिए गाइस ये सिंचन का बच्चा यहाँ पे छुपा हुआ था महंगी भैया अब आपको ना दूसरे लोग नहीं ढूंढ पाएंगे अरे वैसे भी वो थोड़ी ढूंढेंगे मुझे मुझे ढूंढना है उनको ओके यहाँ पर ये रेड बोर्ड क्या कर रहा है यार इतने

अपने पास टाइम नहीं है और तेरह मिनट है मैं जल्दी जल्दी करता हूँ जिससे कि यहाँ पर सबको ढूंढ पाऊँ हाँ तो मैं कह रहा था वो रेड वाला जो बोर्ड है ना तो ज़्यादा ही बड़ा है और ब्लू वाला बोर्ड भी है भाई क्या क्या है एक काम करते हैं सबसे पहले ना ये पेड़ों पे जूम करके देखते हैं क्योंकि इस पेड़ों पर पे भी छुपे रहते हैं यार ये लोग नहीं देखिए इस पेड़ पर पे तो कोई नहीं है मुझे कोई नहीं दिखा बाकी इसके साइड में ब्लू बोर्ड भी है तो शायद हो सकता है ब्लू बोर्ड के पास कोई छुपा हो चलो खाइज वहीं चलता हूँ मैं हेलो भाई कौन है यहाँ पर अगर कोई है तो जल्दी सामने आ जाओ ये लो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं अरे पापरे गाइस ये क्या ये ब्लू वाला बोर्ड तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है और वो क्या चीज़ है और ये गाइस ये तो शायद कुछ है मैं शायद अगर इसके ऊपर चढ़ गया तो शायद पता कर पाऊँ क्या है बट कैसे चढ़ूँ ऊपर मेरे पास तो स्पाइडरमैन के गैजेट भी नहीं है यार और यहाँ पर 12 मिनट बची हैं एक मिनट ये क्या कॉमेंट आया है थ्री हेडेड सन लावा रिवेंजर साइंस uh, के पीछे छुपा हुआ है साइंस अच्छा वो सिग्नल्स जो है वो वाले ओहो okay, के मैं समझ गया थ्रीडेंजर छुपा हुआ है सन और लावा वाला, तो जल्दी यस लिख दीजिए और आप कौन मार मुझे जोर था okay, ये सच में यहीं पे छुपा हुआ था Finally, guys, हमने उसको ढूंढ लिया चल भाई अब यहां पर टाटा बाय -टा बाय करने का समय आ गया और तू को तो ढूंढ लिया कैसे ढूंढा फाइनली हमने यहाँ पर मिनट में हां तीन ही मानो अप्रॉक्स तीन मिनट में भाई दो बंदे ले अभी तक तो गाइस देखो हम सही चल रहे हैं बाकी मैं कह रहा था मुझे उस ब्लू बोर्ड के ऊपर जाना है मुझे कोई तो तरकीब लगानी पड़ेगी अगर मुझे उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर पर मिल जाए अरे पापरी ये क्या चीज़ है ये खास में ऐसा लग रहा है जैसे कोई छिपा हुआ हो आप लोग भी गौर से देखना ठीक है मैं भी गौर से देखूंगा हेलो भाई कौन है इसके अंदर बाहर निकल नहीं तो मैं गोली चला दूंगा अरे नहीं मैं तो पूरा इसके अंदर आ गया बट मुझे तो कोई नहीं दिखा बट अभी भी लाल लाल कुछ तो दिख रहा है कौन है ये नहीं गाइस मुझे तो नहीं लगता इसके अंदर कौन है शायद ये मेरा वहम हो बट अगर आपको लगता है इसके अंदर कोई छिपा हुआ है तो जल्दी से कॉमेंट उसका नाम जरूर लिखना बाकी मैं जल्दी चलता हूं और जाकर देखता हूं गाइस के असल में ये ब्लू जैसे बोर्ड टाइप के और कितने बोर्ड है एक रेड मिल गया एक ब्लू मिल गया और ये काफी ऊंचा है यार इसको तोड़ के देखें क्या हाँ, गाइस यही करते हैं इसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है इसको तोड़ लेते हैं वैसे ही वाली गन ना का लिमिटेड होती है यार ये ख़राब हो गई ना तो मैं इन बंदों को गायब नहीं कर पाऊंगा एक ही बार में इसलिए मैं, मैं ज़्यादा इसका यूज़ नहीं कर सकता और इस गन का तो यार कोई काम भी नहीं है भाई ये तो इसको तोड़ फोड़ ही नहीं पा रही है अरे बाप रे ये क्या मैं भाई साहब ये ब्लू बोर्ड के पास खड़ा था और एक साथ से किसी ने बड़ी जोर से लेजर अटैक करके मेरी बैंड बजा दी अरे कौन था भाई हालत खराब कर दी पापा अब भाई साहब मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा उस ब्लू बोर्ड के पास वहाँ पे मुझे लगता है किसी ने अपने आप को छुपाने के लिए ना भाई कोई सिक्योरिटी लगा रखी है बाकी रेड वाला बोर्ड और ब्लू वाला बोर्ड मैं भाई साहब पता तो करके रहूँगा गाइस में कौन छुपा हुआ वैसे आपको क्या लगता है रेड वाले बोर्ड में कौन छुपा छुपाऊंगा जल्दी से कॉमेंट में लिखिए उसका नाम बाकी यार ये टोनी स्टाक का एक सेवन हैडेड गाइज ब्लू आयरन मैन का सूट भी है वो कहाँ पर है मुझे समझ नहीं आ रहा अरे ये टोनी के किसी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं क्या ये ऐसे बाहर वॉल पे कैसे लगी पड़ी हैं शायद टोनी ने यहाँ पे नाइट आउट काम किया हो मतलब घर से बाहर निकले काम किया हो तो शायद इनको लगा रखा हो फाइल्स को बट ये फाइल्स है कि भाई बुलेट प्रूफ फाइल्स हैं गोलियों से तो टूट फूट भी नहीं रही यार ऐसा तो नहीं है गायस इनके पीछे कोई छिपा हुआ हो अगर गाइज आपको लगता है इसके पीछे कोई छिपा हुआ है तो प्लीज उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना बाकी शायद ये मेरा वहम ही है मुझे नहीं लगता इसमें कोई छिपा होगा बाकी दोस्तों मैं ये भी कह रहा था कि यहां पर मुझे ना हैट जो दिखे थे ना वो समझ नहीं आ रहा कि वो हैट के भाई साहब नीचे है कौन चलो जाके देखते हैं चलो गाइस यहाँ पर एक बार पेड़ भी ज़ूम कर लिया जाए सामने वाले पेड़ में कोई है क्या गाइस गौर से देखो नहीं कोई नहीं है इस वाले पेड़ में नहीं आज तो यार पेड़ों पे कोई छुपा हुआ ही नहीं है छुपे हुए कहाँ पर है भाई खैर छोड़ो मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ कमेंट में लिख रहा है थ्री हेडेड रेड टोनी स्टार्क झाड़ियों में छुपा हुआ है क्या रेड टोनी स्टार्क झाड़ियों में कौन सी गाइज अगर आपको भी रेड टोन स्टा कहीं दिखाए तो जल्दी कॉमेंट में लिखिए देखो ये है पे रेड रेड मुझे कलर कुछ तो दिख रहा है बट मैं शूट भी कर रहा हूँ कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा वहां से चलो पास जाके देखते हैं अगर आपको लगता है रेड टोन स्टाक यहीं पर छुपा हुआ तो जल्दी कॉमेंट में लिखो हेलो भाई

तो पाम ट्री है ना अक्सर इसमें मैंने देखा लोग छुपते हैं जरा गौर से देखना आप लोग मुझे तो वैसे कोई दिखा नहीं आपको दिखे तो बताना बाकी मैं चलता हूं यार इसके बैक बैकयार्ड में भी देखिए टाइम ना अपने पास अब आठ मिनट भी नहीं रहे बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है तो हम इधर आ चुके हैं और यहाँ पर तो समुद्री समुद्र है भाई साहब और कुछ भी है क्या नहीं समुद्र के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर बैक यार्ड में कोई ना कोई तो छिपा होना चाहिए ऑन यार अब ऐसा थोड़ी है सब स्टाक मैंसन के सामने छिपेंगे अरे बैक यार्ड में भी कोई छिप जाओ और मुझे दिख भी जाओ एक मिनट वेट ये क्या है

गोल्ड जिसको मैं फायर हल्कबस्टर समझ रहा था गोल्ड का थ्री हेड्रेड हल्कबस्टर है अभी बताता हूं ये 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 ले ओके okay, ये भी गायब हो गया भाई अभी गाइस छः मिनट समथिंग ही बचे हैं हमारे पास और यहाँ पर हम चार पांच लोगों के ढूंढ पाए हैं मुझे वो समझ नहीं आ रहा एक ब्लू वाला ना गाइस बड़ा सा जॉइंट स्पीकर मैन है वो कहाँ पर छुपा हुआ है एक रेड चू चू चार्ज भी है भाई बहुत बड़ा है वो कहाँ होगा यार ये लोग कहाँ छुपे होंगे और भाई साहब असल में यार और भी लोग हैं छोटे छोटे मोटे भी जैसे कि एक ईविल टी वी स्कैरी मैन भी था वो कहाँ होगा ईविल स्कैरी टी वी मैन बाकी यार देखो मैं फिर से यहीं पर आ गया गाइज समझ नहीं आ रहा ये हेट किस चीज़ के हैं और बाकी चलो एक काम करते हैं रेड वाला बोट हटाकर देखते हैं शायद हमें कोई दिख जाए

क्या बात है सही है भाई टोनी अपने घर पे काफी गाड़ियां रखता है और हेलीकॉप्टर भी रखने लगा है इसलिए गाइस हमें हेलीकॉप्टर मिल गया मैं कब से बोल रहा था मुझे यहां पर वो जो ब्लू वाला बोर्ड है उसके ऊपर से जाना है बस ऊपर से कोई ब्लॉकेज ना हो पता चले भाई ऊपर से टेरिस बना पड़ा है और मैं अंदर ही नहीं घुस पाऊं वैसे हम इस हेलीकॉप्टर की मिसाइल का यूज करके कुछ कर सकते हैं क्या अरे हाँ गोलियां तो चल रही हैं अरे वो कौन निकला अभी बाहर अरे किसने मारा ओके गाइस वो लुक एट दिस भाई ये तो सच में स्पीकर में अरे भाई साहब बहुत बड़ा है यार ओके तभी सोचू मैं यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड और इतना मजबूत बोर्ड किसने बनाया मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं अभी बहुत ही ऊंचाई पर हूँ अरे फ्रेंकलिन तूने ऐसे कैसे मुझे ढूंढ लिया मुझे लगाया था भाई इतनी ऊंची जगह पे तो भाई इस तरह के लोग ही छिपे हो सकते हैं चलो नीचे चलते हैं अरे अरे और भाई ये तो मेरे को अंडर भी आने देगा इसका मतलब इसी ने मुझे मारा था जब मैं वॉल के पास खड़ा था हाँ फ्रेंकली मैं नहीं मारा था तू मुझे तो ढूंढ लिया हाँ। और लोग कैसे ढूंढेगा अरे उनको भी ढूंढ ही लूंगा एक मिनट ढूंढने से याद आया अरे बाप रे टाइम देखिए गाइस कितना जल्दी जा रहा है भाई अभी मिनट बोला था मैंने आपसे और अभी चार मिनट रह गए बहुत जल्दी जा रहा है भाई थोड़ा स्लो हो जा गाइस ये देखिए ये वाला जो रेड बोर्ड है इसको शूट करके देखे क्या गायस वैसे मेरे पास लिमिटेड गोलियां बची हैं यार फिर भी मार के देखता हूँ क्या पता टूट जाए अरे मैंने इस बोर्ड को मारा तो इस बोर्ड ने मुझे मार या, पापा क्या जोर से लग गई अरे बाप रे कहीं इसके पीछे भाई चूचू चाल तो नहीं छिपा हुआ वही ऐसे अटैक करता है यार खतरनाक वाले तो समझ नहीं आ रहा भाई अब बताओ गाई कौन हो सकता है बाकी वैसे थौर भी हो सकता है इसके पीछे भाई थौर भी यहाँ पे अपने थोड़े से मार सकता है मुझे थोर वैसे फाइव हैड्रेड समथिंग है थोर सेवन हैड्रेड मुझे याद नहीं है पर थोर गेम तो पक्का खेल रहा है अगर आपको भी लगता है थोर गेम खेल रहा है छिपन छुपाई खेल रहा है तो जल्दी कमेंट में येस लिखो बाकी चलो मैं इधर से निकल ही जाता हूँ नहीं तो और खतरे घंटी बसी रहेगी एक मिनट ये क्या आ रहा है स्क्रीन पे सेवन हेडेड ब्लू आयरन मैन ब्लू बोर्ड्स के पीछे छुपा हुआ है ब्लू बोर्ड अच्छा वो टोनी के जो काम करने की स्क्रीन थी ये टाइप का कुछ पेपर्स ओके, 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 मैं समझ गया इसका मतलब इसके पीछे ब्लू आईमेन राइट अगर आपको लगता है तो जल्दी कॉमेंट में लिखो मैं बाकी इसको तोड़ने की करता को कहां से टूटेगा ये ले ये, ले ये, ले ओके हमने भाई अपना स्पेशल बचा ली और सेवन ब्लू आईमेन को भी ढूंढ लिया अबे फ्रैंकलिन लेकिन टाइम तो देख तीन मिनट बची है तू किस किस को ढूंढेगा इतने में अभी तो तुझे चार पांच लोग ढूंढने तू मेरे को डरा मत समझा ब्लू के बच्चे अभी रुक पहले मैं तेरे को यहां से गायब कर देता हूँ ये नहीं और

ख्वाहिश ये देखिए मेरे हेड के ऊपर ये तो चूचू चार्ल्स का भाई ट्रेन का इंजन है मैंने कहा था गाइस वो रेड बोर्ड के पास कहीं चूचू चार्ल्स तो नहीं है मुझ पे अटैक कर रहा था उस टाइम और वह गाइस जितने लोगों ने भी मेरे से पहले चूचू चार्ल्स समझ गए थे कि रेड बोर्ड के पीछे चूचू चार्ल्स है वो जल्दी अपना नाम जरूर लिखना भाई मैं आप सभी का नाम जरूर रीड करूंगा गाइस हमने रेड चूचू चार्ल्स को भी पकड़ लिया लेकिन यार अभी दो मिनट बचे हैं और हटो यहाँ से पहले तो इन भाई सारी रुकावटों को हटाते हैं समझ नहीं आ रहा है कहाँ से इतनी सारी चीजें आ गई हैं बाकी दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि यार थोर कहाँ पर गया कहीं ऐसा तो नहीं है वो

हम अपनी जीत के करीब जाएंगे लर्ड्स को अरे बाप रे ये किसने कर दिया ओके मैं सही था देखिए थ्री हेडेड तुझे बताता हूं बेटा तेरे चक्कर में कितना समय बर्बाद हो गया मेरा ये निकाली गा ओके शुक्र है गाइस हमने उसको भी हरा दिया बट यार हमारे पास अभी 40 सेकंड्स बची है, <laughs> तो 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 है। बेसमेंट भी चेक कर लिया था पेड़ों पे भी चेक कर लिया था अरे रे एक बार और देख लेता हूं रूम वोम में नहीं पास टाइम नहीं है मैं कमेंट ही पढ़ लेता हूं क्या पता आपने ढूंढ लिया पीछे वाले पेड़ पे छुपा हुआ है व्हाट पीछे वाले स्टॉक का पीछे का पेड़ तो ये है इधर वाले इनमें छुपा हुआ है गया वो कहा? ओ भाई साहब अगर ऐसा तो जल्दी कमेंट में ऐसा लिखे हमारे पास और टाइम नौ सेकंड है एक मिनट वो गाइस ये रहा ओ भाई साहब कहाँ छुपा हुआ था उठी कसम अरे तूने ऐसे कैसे ढूंढ लिया नहीं ये 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 ये, ये ले माई oh गॉड मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई थी भाई जीरो सेकंड्स में भाई साहब कहीं जाके गेम खेला है मैंने ये अरे फ्रैंकलिन कोई बात नहीं है बच्चे आज तो तू तो बाल बाल बच के हारने से ये बात तो सही कहा अगली बार का हमें मिला ये इतना बड़ा गोल्डन मिस्टीरियस एलिमेंट्री बॉक्स ओके ये क्या देख रहा हूँ मैं पहली बार एक एलिमेंटल बॉक्स में से सिर्फ सोना चांदी नहीं निकला है एक प्योर लावा गॉड का सूट निकला है भाई इस सूट को पहन के हम अपनी पावर भी चेक करेंगे तब तक गाइस आपको स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो मजा आएगा थैंक यू सो सो मच